दोस्तों, हमारे देश में भारतीय लोगों को तीखा खाना पसंद है और इस तीखे खाने को बनाने के लिए हमें मिर्च की ज़रूरत होती है। वह इस मिर्च का संबंध भारत से नहीं है बल्कि मेक्सिको से है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मेक्सिको में मिली गुफाओं से पता चलता है कि 7,500 साल पहले भी लोग मिर्च खाते थे। वहीं इस बात के सबूत भी मिले हैं कि ऑलमेक, टॉल्टेक, माया और एजटेक समेत दक्षिण अमेरिका की सभी सभ्यताओं के दौरान मिर्च खाई जाती थी। समय के साथ साथ मिर्च अमेरिका से यूरोप पहुंची। इसने यूरोप में खाने का अंदाज़ ही बदल दिया। भारतीय मिर्च सन 1498 में आई, जिसे पुर्तगाली सबसे पहले गोवा लेकर आए थे। समय के साथ साथ भारत के लोगों को यह तीखी फली पसंद आ गई और वे इसकी खेती करने लगे। इस मिर्च की लोकप्रियता ने उस समय के काली मिर्च के एकाधिकार को खत्म कर दिया। मिर्च ने त्रिफल का भी रसोई में दबदबा खत्म कर दिया। इसे चीनी खाने में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, पर इसमें वो तीखापन नहीं था जो मिर्च में होता है। कई साहित्य में भी इस मिर्च का जिक्र मिलता है, जैसे कि रघुनाथ की भोजन कुतूहल में। वही महान संत और कवि पुरंदर दास ने इसका जिक्र एक कविता में किया है। उत्तर भारत में मिर्च महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते पहुंची थी।